मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक साइंटिस्ट और उसके साथ दो असिस्टेंट को जो रेडियो वेव से कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं अपने असिस्टेंट को, जेन यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, कोई बाउंडर नहीं आने वाला। लेकिन तभी वहाँ बहुत तेज़ रोशनी के साथ एक बिजली गिरती है। दरअसल जेन एक एस्ट्रोफिजिस्ट है और वो वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनकी कार से एक लड़का टकराता है जो बिजली के बाउंडर से नीचे आया है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सन 1965 ईस्वी में। इंसान जानते थे कि हमारे अलावा दूसरी दुनिया भी है। फिर कुछ दानव आए, उन्होंने इंसानों को बर्फ़ में जमा दिया और तब इंसानों को साथ दिया एस्गार्ड के लोगों ने, और उन दानवों को उनकी दुनिया में वापस भगा दिया। लेकिन एस्गार्ड के राजा की एक आँख फोड़ दी और बर्फीले दानवों को राजा से उनकी ज़िंदगी के बदले टेसरेट क्यूब को मांगा, और एस्गार्ड का राजा वापस अपने घर लौटा, जो एक बहुत ही सुंदर दुनिया दिखाई देती है जहाँ देवता रहते हैं। और देखते हैं दो छोटे छोटे बच्चों को, थोर और लोकी को। थोर कहता है मैं उस राक्षस को ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। लेकिन उनके पिता कहते हैं एक समझदार राजा कभी जंग की राह नहीं चुनता, लेकिन जंग के लिए हमेशा तैयार रहता है। तब हम थोर को अपने थोड़े के साथ पहली बार देखते हैं जिसका नाम यूनियर है। छोड़िन बताते हैं कि थोड़ा टूटते तारे से बना है और थोर को राजा बनाया जाने ही वाला था। फिर वही बर्फ का राक्षस फ्रोस्टियस आकर तबाही मचाता है, लेकिन डिस्ट्रॉयर उनको जलाकर मार देता है। फिर थोर कहता है यूटनहाइन के लोगों को उनके किए की सज़ा मिलेगी। तभी ओडिन कहता है उनको डिस्ट्रॉयर ने सज़ा दे दी है। लेकिन थोर और ओडिन के बीच बहस होती है इस बात को लेकर कि उनको सज़ा देगी या नहीं। तभी लोकी कहता है वहाँ जाकर ही सबको मार सकते हैं। थोर मान जाता है और यूटनहाइन जाते हैं। थोर और उसके साथी वहाँ युद्ध लड़ते हैं। इस लड़ाई में बहुत बड़े बड़े दानव आते हैं और वो भयानक युद्ध लड़ते हैं, जिनको थोर अपने थोड़े यूनियर से मारता है। फिर थोर के साथ ही भागने लगते हैं, लेकिन बहुत बड़ा दानव आकर उनका रास्ता रोक लेता है। तभी थोर आता है और उसको बीच से फाड़ देता है। लेकिन तभी ओडिन वहाँ आ जाते हैं और थोर और उसके साथियों को लेकर एस्गार्ड आता है। ओडिन थोर पर गुस्सा करता है और थोर भी गुस्सा करता है। ओडिन उससे उसकी सारी शक्तियाँ छीनकर और हथौड़े को छीनकर थोर को धरती पर टेलीपोर्ट कर देता है, और हथौड़े को कहता है जो भी इस हथौड़े को पकड़ेगा और वो इस योग्य है तो उसमें थोर की सारी शक्ति आ जाएंगी। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ और थोर को धरती पर टेलीपोर्ट देखते हैं, जो साइंटिस्ट और जेन की कार से टकराता है। वो थोर को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। थोर अपने हथौड़े को ढूंढता है लेकिन हथौड़ा नहीं आता। दूसरी तरफ हम हथौड़े को देखते हैं जिसको एक साइंटिस्ट उठाने का प्रयास करता है लेकिन उठा नहीं पाता। वहाँ बहुत सारे लोग हथौड़े को उठाने का प्रयास करते हैं लेकिन कोई भी नहीं उठा पाता। लेते शिफ्ट होता है और हम लोकी को टेसरेट क्यूब लेते देखते हैं। लेकिन तभी ओडिन वहाँ आते हैं और लोकी पूछता है मुझे उन दानवों ने छुआ था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल अगर वो दानव किसी को छू लेते तो वो वहीं मर जाता, लेकिन लोकी नहीं मरा। ओडिन तब बताते हैं उन्होंने यूटनहाइन को राया और टेसरेट को लिया तो एक राक्षस के बच्चे को मंदिर से उठाया था जो उस लोफी का बेटा था, जो उससे बड़ा राक्षस, जो सबसे पहले बड़ा राक्षस था। तभी ओडिन की तबीयत खराब हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम थोर और जेन को रेस्टोरेंट में खाना खाते देखते हैं, जहाँ से थोर को थोड़े का पता लगता है और वो थोड़े को लेने जाता है। दूसरी तरफ हम लोकी को देखते हैं जिसने राजा की गद्दी ले ली है। वहाँ थोर के साथ ही आते हैं जो कहते हैं थोर को वापस लाओ, लेकिन लोकी उनको अपमानित करके वापस भेजता है। और लोकी अपनी माँ से कहता है ओडिन कब तक ठीक होंगे और उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला। तब लोकी की माँ कहती है उन्होंने झूठ नहीं बोला, सिर्फ सच को छुपाया था। तभी हम थोर को देखते हैं जो थोड़ा लेने के लिए शील्ड के लोगों से लड़ता है और वहाँ बैटन तीर से निशाना लगाए दिखता है, लेकिन उनका बॉस कहता है रुको और देखो क्या करता है ये लड़का। तभी थोर थोड़ा उठाने का प्रयास करता है लेकिन थोड़ा नहीं उठता। थोर वहीं निराश होकर गिर जाता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तभी थोर के पास लोकी आता है और कहता है पिताजी नहीं रहे और माँ ने कहा तुम घर मत आना। और लोकी जाते समय थोड़ा उठाने का प्रयास करता है लेकिन उठा नहीं पाता। थोर को साइंटिस्ट वहाँ से निकाल लेता है। दूसरी तरफ लोकी यूटनहाइन जाता है और कहता है कि आप ओडिन को मार दो, मैं आपको टेस्ट दे दूंगा। और थोर के चार साथी धरती पर आते हैं थोर को बचाने के लिए, लेकिन लोकी को पता चल जाता है और लोकी डिस्ट्रॉयर को भेजता है धरती पर थोर को मारने के लिए। डिस्ट्रॉयर धरती पर आता है और थोर और उसके साथी से लड़ता है, जिसमें डिस्ट्रॉयर को एक बड़े भाले से नुकसान पहुँचाया जाता है सेल्वी के द्वारा। डिस्ट्रॉयर अपने मुंह से आग फेंकता है। थोर डिस्ट्रॉयर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है बिना किसी हथियार और शक्ति के, लेकिन डिस्ट्रॉयर अपना हाथ थोर को मारता है और थोर मरने ही वाला होता है। जेन उसके पास जाकर रोने लगती है। तभी मीनूवर थोर के पास आता है और थोर को अपनी सारी शक्तियाँ वापस मिल जाती हैं। थोर अपना थोड़ा फेंकता है और एक बाउंडर बनता है जिसमें डिस्ट्रॉयर को फंसा कर मार देता है।
और जैन से कहते हैं वापस एस्गार्ड जा रहे हैं, लेकिन हम वापस लौट कर जरूर आएंगे। थोर एस्गार्ड आता है और ओडिन को बचाता है। यहाँ यूटनाइन भी आ चुका था। थोर और लोकी की लड़ाई होती है और थोर बाय फ्रॉस्ट जहाँ से धरती पर आने जाने और दूसरी दुनिया पर आने जाने का रास्ता है उसको तोड़ने लगता है ताकि यूटनाइन के लोग यहाँ से चले जाएँ। थोर कहता है माफ़ करना जैन और पुल तोड़ देता है। लोकी पुल से लटका हुआ होता है और नीचे कूद कर जान दे देता है। धरती पर जैन दिखाई जाती है जो थोर का इंतजार करती है और चली जाती है क्योंकि अब थोर नहीं आएगा, वो पुल टूट गया था। तभी ओडिन आता है और थोर को कहता है तुम समझदार राजा बनोगे, और थोर हेमडाल के पास जाकर पूछता है क्या तुम्हें जैन दिखाई दे रही है, वो कैसी लगती है। हेमडाल कहता है वो आपको ढूंढती रहती। और इसी के साथ थोर 2011 यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं रोशनी के उद्देश्य बहुत पहले सिर्फ अंधकार था जिसमें सिर्फ अंधकार के शैतान थे। 1000 साल पहले इस जाति के मलिकत ने ब्रह्मांड को अंधकार में रखना चाहा था। ये विनाश सिर्फ एक शक्तिशाली इथर से संभव था जो अनंत विनाश का अस्त्र है। एस्गार्ड के लोगों ने इन राक्षसों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी। जब 9 ग्रह एक रेखा में आए तब मलिकत ने ब्रह्मांड में इथर छोड़ दिया। एस्गार्ड के लोगों ने इथर छीन कर मलिकत को हरा दिया, परंतु मलिकत भाग गया और इथर को बहुत गहरा दफना दिया। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लोकी को जो हथकड़ियों में ओडिन के सामने खड़ा है क्योंकि लोकों ने धरती पर जाकर तबाही मचाई थी। और लोकी को जेल में डाला जाता है और ओडिन कहते हैं थोर को राजा बनाएंगे। तभी हम थोर को ओडिन में लड़ते देखते हैं जो एक बहुत बड़े पत्थर के दानों को मारता है। थोर कहता है अब रियासतों में शांति है। थोर एस्गार्ड आता है। ओडिन कहता है अब जैन को भूल जाओ और मौज करो, कम से कम खुश रहने का दिखावा तो करो। थोर बहुत परेशान दिखाई देता है और शराब पीकर अकेला बैठा रहता है। दूसरी तरफ हम जैन को डेट पर देखते हैं जो रेस्टोरेंट में बैठी है और जैन अपनी साइंटिस्ट फ्रेंड के साथ रीडिंग रिसर्च करने जाती है। हम जैन को एक बिल्डिंग में देखते हैं जहाँ कुछ अजीब गरीब हरकत होती है। जैन के मीटर की रीडिंग बदल जाती है और जैन कहती है ऐसा तब हुआ था जब थोर आया था। अचानक से जैन कहीं अंधेरे की दुनिया में चली जाती है और इथर को छू लेती है। वो इथर जैन के शरीर के अंदर आ जाता है। थोर हेमडाल से कहता है कैसी है जैन। तभी हेमडाल कहता है वो दिख नहीं रही। जैन वापस उसी बिल्डिंग में आ जाती है। थोर जैन के पास धरती पर आता है और पूछता है तुम कहाँ थी जैन, तुम हेमडाल को दिख नहीं रही थी। जैन बताती है मैं वेट कर रही थी लेकिन तुम नहीं आए। थोर बताता है 9 रियासतों में जंग छिड़ गई थी, बायफ्रॉस्ट तबाह हो गया था। और जैन कहती है बहाना अच्छा है। तभी जैन एक पुलिस वाले के पास जाती है और जैसे ही पुलिस वाला जैन को टच करता है एक धमाका होता है। फिर थोर कहता है जैन तुम एस्गार्ड चलो। जैन को थोर एस्गार्ड लेकर आता है और जैन को ठीक करवाने के लिए थोर की माँ जैन को चेक करती है, लेकिन ओडिन कहते हैं ये इंसान है या नहीं लाना था, और ओडिन वापस भेजने का आदेश देते हैं। लेकिन जब सिपाही जैन को हाथ लगाते हैं तो बड़ा धमाका होता है और ओडिन देखते हैं ये तो इथर है, ये जैन के शरीर के अंदर कैसे आया। और फिर दानव एस्गार्ड आते हैं। फिर थोर जैन को समझाता है तुम्हें कैसे बचाया जाएगा, और अपनी माँ फ्रीडा जो एस्गार्ड की रानी है जैन से मिलवाता है। तभी दूसरी तरफ लोकी जहाँ जेल में होता है वहाँ पर वो दानव लड़ाई करने लगते हैं और जेल से बाहर आते समय लोकी को देखते हैं जहाँ लोकी कहता है बाई तरफ की सीढ़ी लो। तभी थोर वहाँ आता है और थोर की माँ जैन की रक्षा करती है। वहाँ बहुत भयानक युद्ध होता है, दानव बड़े बड़े जहाजों से हमला करते हैं। यहाँ मलिकत आता है और बहुत तबाही मचाता है। ओडिन आकर उनको भगा देता है। मलिकत जैन को लेने जाता है लेकिन थोर की माँ मलिकत को रोकती है और मारी जाती है। मलिकत जैन के अंदर का इत्र लेने के लिए जैन को लेने आया था। थोर वहाँ आकर मलिकत को भगा देता है और देखता है माँ मर चुकी है। जैन को गिरफ्तार करवा देता है। तभी थोर आता है और कहता है मैं जैन को अंधेरी दुनिया में ले जाऊँगा और मलिकत जब जैन के अंदर से इत्र निकालेगा तब मैं मलिकत और इत्र दोनों को ख़त्म कर दूंगा, लेकिन ओडिन मना कर देता है। थोर हेमडाल के पास जाकर वहाँ से निकलने के लिए पूछता है। हेमडाल कहता है लोकी को खुफिया रास्ता पता है, वो तुम्हें वहाँ से ले जा सकता है। थोर लोकी को लेकर आता है। वो लोग एस्गार्ड से अंधेरे की दुनिया में जाते हैं। थोर लोकी जैन सभी अंधेरे की दुनिया में जाते हैं और प्लान बनाते हैं जैन को बचाने का। तभी लोकी थोर को चाकू मारकर घायल कर देता है और लोकी थोर का हाथ काट देता है। लोकी मलिकत को कहता है इन्हें मार दो और एस्गार्ड को ख़त्म करो। जब मलिकत जैन के शरीर से इत्र बाहर निकालता है तो लोकी थोर का हाथ वापस लगा देता है और थोर अपने थोड़े से मलिकत पर हमला करके जैन के शरीर से इत्र को जला देता है। तभी उस इत्र को मलिकत अपने शरीर के अंदर समा लेता है और जैन बच जाती है। यहाँ पर बहुत भयानक लड़ाई होती है।
जब एक दानव थोर को मारने वाला होता है तो लोकी आकर दानव को मार देता है, लेकिन खुद भी मारा जाता है। जब लोकी मारा जाता है तो मेलिकथ भाग जाता है और जेन और थोर दोनों वहाँ के पोर्टल से धरती पर निकलते हैं। साइंटिस्ट और जेन कुछ इक्विपमेंट लगाते हैं, तभी वहाँ मेलिकथ आता है और थोर मेलिकथ से लड़ता है। उनके बीच भयानक लड़ाई होती है। ये लड़ाई बहुत ही अच्छी और शानदार होती है। अच्छे अच्छे स्टंट किए जाते हैं और अंत में थोर मेलिकथ को उसकी अंधेरे की दुनिया में वापस भेज देता है और मेलिकथ के ऊपर एक शिप गिर जाती है जिसमें वो मारा जाता है। थोर वापस एसगार्ड चला जाता है। जेन उसका इंतजार करती है। थोर ओडिन से माफ़ी मांगता है और ओडिन थोर को राजा बना देते हैं, लेकिन थोर मना कर देता है। तभी थोर वहाँ से चला जाता और जो ओडिन था वो लोकी होता है। दरअसल लोकी मरा नहीं, वो ओडिन के भेष में था। मूवी के अंत में थोर धरती पर जेन के पास जाता है। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं थोर को जंजीरों में बांधा गया है। एक अग्नि वाले दानव शर्टन ने वो बताता है, मैं एसगार्ड का अंत हूँ। जब मेरा मुकुट अनंत अग्नि में डाला जाएगा तब हुआ रैग्नारोक और एसगार्ड का अंत। फिर थोर अपने हथौड़े को बुलाता है और वहाँ युद्ध करता है शर्टन और उसके राक्षसों से। फिर थोर उनको हरा कर वापस एसगार्ड आता है, जहाँ हेमडाल नहीं होता, कोई और होता है। थोर एसगार्ड में देखता है लोकी ने ओडिन का रूप धारण किया हुआ है। लोकी के मरने की कहानी सुना रहा है। फिर थोर लोकी को पहचान जाता है और उसको बेनकाब करता है। थोर पूछता है ओडिन कहाँ है। लोकी कहता है उनको धरती पर छोड़ा था। दोनों धरती पर आकर देखते हैं और वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज आता है, जो लोकी को गायब करके थोर से बातें करता है, जहाँ थोर को थोड़ा जादू दिखाया जाता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है लोकी को यहाँ क्यों लाए हो। तब थोर कहता है हम ओडिन को खोज रहे हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं उनका पता मैं बताता हूँ, तुम लोकी के यहाँ से ले जाओ। थोर और लोकी ओडिन से मिलते हैं और ओडिन कहता है मेरा समय ख़त्म हुआ, अब हेल आएगी, क्योंकि जब मैं जिंदा था वो नहीं आ सकती थी, लेकिन अब वो आएगी, तुम ध्यान रखना अपना। फिर ओडिन धूल बनकर उड़ जाता है। तभी वहाँ हेला मौत की देवी आती है और कहती है पिताजी चले गए। हेला दोनों को झुकने के लिए कहती है। थोर अपना थोड़ा फेंकता है जिसको हेला बड़ी आसानी से तोड़ देती है। उनके बीच थोड़ी लड़ाई होती है और वो बायफ्रोस्ट से भागने लगते हैं। फिर हेला उन दोनों को रास्ते में फेंक कर खुद एसगार्ड जाती है। यहाँ कुछ लोगों को मारती है और महल जाकर सेना को जिंदा करती है और बड़े कुत्ते को भी जिंदा करती है। थोर को दूसरे ग्रह पर दिखाया जाता है जिसका नाम सरकर है, जहाँ कुछ एलियन आकर उसको गिरफ्तार करते हैं, लेकिन वेलकरी थोर को अपने साथ ले जाती है। उन एलियन को हरा कर वेलकरी थोर को वहाँ जाकर बेच देती है, जहाँ थोर देखता है लोकी भी यहीं है। थोर को लड़ाई के मैदान में फेंका जाता है, जहाँ थोर अलग से लड़ता है और जीत जाता है। यहाँ थोर के कुछ दोस्त भी बनते हैं, कोरगोल वेलकरी जैसे। दूसरी तरफ एला को दिखाया जाता है जिसने स्कर्च को अपने पास मिलाकर अपने इतिहास को दिखाया। एला जंग की तैयारी करती है और बायफ्रोस्ट के पास जाकर देख तलवार नहीं है जिसको हेमडाल लेकर गया है। फिर एला उनके पास जंग के लिए जाती है। यहाँ हम देखते हैं हेमडाल ने सभी एसगार्ड वासियों को एक गुफा में छिपा कर रखा है। दूसरी तरफ थोर हल्क से मदद मांगता है एसगार्ड को बचाने के लिए। फिर थोर हेमडाल से आई कॉन्टैक्ट करके देखता है एसगार्ड में हेला ने क्या किया है। फिर थोर वेलकरी को मनाता है और अपने गले से इलेक्ट्रॉनिक चिप को निकाल देता है और फिर जहाज की तरफ भागता है और जहाज को चालू करता है। तभी वहाँ हल्क आता है जो बैनर बन जाता है। फिर थोर एक टीम बनाता है और उस रेस्कार से निकलने के लिए तैयारी करता है। फिर थोर वहाँ से जहाज लेकर एसगार्ड के लिए निकलता है। थोर एसगार्ड आकर देखता है सब जगह तबाही है। हेला भी हेमडाल के पास पहुँच जाती है बायफ्रोस्ट की तलवार लेने, लेकिन हेमडाल उनको वहाँ से लेकर भाग जाता है। फिर हेला महल जाती है तो देखती है कि गद्दी पर थोर बैठा है। उन दोनों के बीच युद्ध होता है। दूसरी तरफ हेमडाल उन दोनों को बायफ्रोस्ट के द्वारा कहीं पर लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच रस्ते में हेला का बड़ा कुत्ता आ जाता है। फिर बैनर शिप से कूदकर हल्क बनता है और उस कुत्ते से लड़ता है। दूसरी तरफ थोर और एला की लड़ाई देखते हैं, जहां एला थोर की एक आंख फोड़ देती है। फिर थोर एला को बहुत बड़ा बिजली का झटका देता है। वहां पर लोकी और कोर्ग भी आ जाते हैं। थोर अपनी थंडर स्टॉर्म पावर से युद्ध करता है और थोर की टीम साथ देती है। वेलकरी और हल्क भी अच्छी लड़ाई लड़ते हैं। थोर लोकी से कहता है मैं एला से लड़ता हूँ, तुम शर्टन के सर को अनंत अग्नि में डालो जो एसगार्ड को ख़त्म कर देगा और तभी एला का अंत होगा। थोर और वेलकरी एला से लड़ते हैं। लोगों को जहाज में बिठाया जाता है।
तभी लोकी सरटर के मुकुट को अग्नि में डालकर रैग्नारोक को जिंदा कर देता है और करके हेला को मारता है। वह एस्गार्ड को ख़त्म करके हेला को मारता है। फिर थोर और सभी एस्गार्डवासी वहाँ से निकलकर धरती पर जाकर बसते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो आप इस तरह की मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके अपनी पसंदीदा मूवी को कमेंट में लिखें, हम उसको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम गौर को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ सूखे रेगिस्तान में भूख प्यास से तड़प रहा होता है। तभी गौर की बेटी मर जाती है और गौर को एक आवाज़ अपनी तरफ जंगल में खींचती है जहाँ सूर्य देवता ने नक्षोड के धारक को मारा होता है। गौर देवता से मदद मांगता है उसके ग्रह पर जीवन दान के लिए, लेकिन देवता उसको मजाक बनाते हैं और गौर को मारने लगते हैं। लेकिन गौर के हाथ नक्षोड आती है और देवता को मारकर शपथ लेता है सभी देवताओं को मारने की। तभी गौर को नक्षोड से आवाज़ आती है, एटर्निटी के पास जाओ। हमें थोर को दिखाया जाता है जो ध्यान मुद्रा में बैठा है और कौरव अपने दोस्तों को थोर और जेन के प्यार के किस्से सुना रहा होता है जो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी होते हैं। थोर हमेशा जेन की यादों में रहता है। तभी थोर के पास उसके दोस्त लड़ाई जीतने के लिए आते हैं। अब थोर के पास उसका स्टॉर्म ब्रेकर भी है। राजा यक्का कहते हैं हमारे मंदिर को बचाओ इन एलियंस से जो हमें यहाँ मारने आया है। थोर को थंडर पावर के साथ लड़ाई करता देखते हैं जो बहुत आनंददायक नज़ारा होता है। लेकिन थोर लड़ाई के दौरान मंदिर को तोड़ देता है। थोर को गिफ्ट में दो बकरे दिए जाते हैं जो बहुत शरारती हैं। फिर थोर देखता है गौर ने हमला करके बहुत जगह आतंक फैलाया है। गौर को रोकने के लिए दो टीम बनाई जाती हैं, गार्डियंस की और रॉकेट और कोर्ग। थोर अलग अलग जाते हैं। दूसरी तरफ जेन फॉस्टर को दिखाया जाता है जिसने अपनी थ्योरी से एक बुक लिखी है। जेन एक लड़के को अपनी थ्योरी समझाती है। यहाँ हमें पता चलता है जेन को कैंसर की फोर्थ स्टेज भी है। जेन की फ्रेंड कहती है रास्ते वाली अकेले चुनो पर अकेले चलो मत, तुम थोर को कैंसर वाली बात बता दो। जेन न्यू एस्गार्ड जाती है मिन्योर को देखने जो मैक्सिको में है। हथौड़े के अंदर बिजली बहती दिखाई देती है। फिर थोर एक बार फीले ग्रह पर जाकर उसके दोस्त को देखता है और वहाँ थोर को पता चलता है गौर एस्गार्ड जा रहा है जो देव हथियारा है। गौर एस्गार्ड आकर युद्ध करता है। यहाँ थोर भी आ जाता है। इस युद्ध में थोर अपने हथौड़े मिन्योर को उड़ता देखता है। दरअसल अब हथौड़ा जेन के पास है क्योंकि मिन्योर ने जेन को थोर वाली पावर दी है। थोर और जेन एक दूसरे को देखते हैं। थोर जेन को देखकर हैरान हो जाता है, उनके बीच बहुत ज़्यादा प्यार था। एक समय पर उनके बीच बहुत ज़्यादा प्यार था लेकिन थोर को समय समय पर युद्ध लड़ने जाना पड़ता था तो जेन को समय नहीं दे पा रहा था। फिर दोनों के बीच ब्रेकअप हो जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं और युद्ध खत्म करते हैं। गौर थोर की स्टॉर्म ब्रेकर लेने आया था क्योंकि एटर्निटी का दरवाज़ा खोलने के लिए स्टॉर्म ब्रेकर चाहिए, लेकिन थोर गौर को यहाँ से हरा कर भगा देता है। जेन कहती है मैं पृथ्वी के दो चक्कर लगाया ही, लेकिन गौर नहीं दिखाई दिया। दरअसल जेन के अंदर अब थोर की सारी शक्तियाँ आ चुकी हैं। थोर अपने हथौड़े को देखता है और अपने पास बुलाने का प्रयास करता है लेकिन हथौड़ा नहीं आता बल्कि स्टॉर्म ब्रेकर आता है। तभी थोर को पता चलता है गौर अपने साथ कुछ बच्चों को उठाकर ले गया जिनमें हेमडाल का बेटा एक्सल भी होता है। थोर एक टीम बनाता है और हेल्प के लिए ज्यूस जो बिजली का देवता है उनके पास जाता है, लेकिन ज्यूस हेल्प करने से मना कर देता है। थोर कहता है, थोर वहाँ लड़ता है और ज्यूस का हथियार थंडरबोल्ट छीन लेता है। थोर और जेन रात को शिप पर बातें करते हैं और दोनों रोमांस करते हैं। यहाँ जेन थोर को बताती है मुझे कैंसर की फोर्थ स्टेज है। फिर थोर उदास हो जाता है और कहता है मैं हूँ, मैं तुम्हें बचा लूँगा। फिर ये लोग गौर के प्लेनेट पर पहुँच जाते हैं जहाँ सब कुछ डार्क होता है। तभी जेन को पता चलता है ये एक चाल था स्टॉर्म ब्रेकर को लेने का और जेन स्टॉर्म ब्रेकर को प्लेनेट से बाहर फेंक देती है। तभी वहाँ गौर आता है और पूछता है कुल्हाड़ी कहाँ है। गौर सबको टॉर्चर करता है। तभी थोर अपनी पावर से स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाता है और बहुत बड़ा झटका देता है। यहाँ युद्ध होता है, गौर और थोर लड़ते हैं। लड़ाई में थोर का शिप टूट जाता है। वेलकरी थंडरबोल्ट से गौर से लड़ती हुई घायल हो जाती है। तभी जेन कहती है यहाँ से भागना चाहिए। थोर स्टॉर्म ब्रेकर को कहता है चलो घर ले चलो, लेकिन गौर स्टॉर्म ब्रेकर छीन लेता है। वो लोग एस्गार्ड आ जाते हैं। थोर को यहाँ पता चलता है जेन जितनी बार थोर बनेगी उसकी कैंसर उतनी जल्दी जान ले रही है। फिर थोर गौर के प्लेनेट पर अकेला जाता है थंडरबोल्ट लेकर। फिर थोर बच्चों को छुड़वाता है और थंडरबोल्ट से पावर देता है ताकि युद्ध में साथ दे सकें। यहाँ थोर ने एटर्निटी का द्वार खोलने के लिए स्टॉर्म ब्रेकर को सेट कर दिया होता है। तभी वहाँ जेन भी आ जाती है। फिर थोर स्टॉर्म ब्रेकर को निकालता है और एक्सल को स्टॉर्म ब्रेकर देखकर कहता है सभी बच्चों को धरती पर ले चलो।
जेन और गोर लड़ते हैं। गोर कहता है, तुम हार गई लेडी थोर। फिर जेन कहती है, पहली बात मेरा नाम माइटी थोर है, और दूसरी बात अगर तुम्हें माइटी थोर बोलना नहीं आता तो फिर बोलो डॉक्टर जेन फोस्टर, और तीसरी था मेरा हथौड़ा। फिर थोर गोर की नेक शॉर्ट को होल्ड करता है, तभी जेन हथौड़ा फेंकती है और नेक शॉर्ट टूट जाती है, लेकिन नेक शॉर्ट वापस जुड़ने लगती है। जेन हथौड़े के अंदर नेक शॉर्ट के टुकड़े को फंसा कर ब्लास्ट कर देती है, तभी जेन घायल हो जाती है और एटर्निटी का द्वार खुल जाता है। गोर कहता है, मुझे मेरी बेटी वापस जीवित चाहिए। थोर कहता है, मैं इनका ध्यान रखूँगा, और थोर जेन को अपनी बाहों में लेता है, जहाँ जेन अपनी आखिरी सांसें लेती है। जेन मर जाती है, गोर भी अपनी बेटी को जीवित करके मर जाता है। थोर से कहता है, मेरी बेटी का ध्यान रखना। थोर को घर में दिखाया जाता है, जो गोर की बेटी को बहुत प्यार से रख रहा होता है। फिर दोनों एलियन से लड़ने के लिए जाते हैं। गोर की बेटी थंडरस्टॉर्म उठाती है और थोर म्यूनियर उठाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में जेन को दिखाया जाता है, जो वलहेला में होती है।